हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो LNIP एंट्रेंस एग्ज़ाम 19 सितंबर और 20 सितंबर को है, तो आज मैं जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ वो 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे PhD और जितने भी PG डिप्लोमा कोर्सेज थे, डिप्लोमा कोर्सेज के जो पेपर थे वो आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो वीडियो के माध्यम से जो भी आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आप जो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का पैटर्न जैसा कि आप जानते हैं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से भी दे सकते हैं, एज वेल एज यदि आपके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो घर बैठे आप मोबाइल पे भी डेस्कटॉप मोड में एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था, हु इज़ द ओनली क्रिकेट कैप्टन इन द वर्ल्ड हु लेड हिज टीम टू विन ऑल 3 ICC ट्रॉफीज। तो ऑप्शंस थे रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, महेंद्र जयवर्धने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज महेंद्र सिंह धोनी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया था फ्रेंड्स। और दूसरा जो क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही ईजी आया था, कैलकुलेशन आया था 139 - 235 इज गिव्स आउट। तो ये जो है बहुत ही ईजी फ्रेंड्स क्वेश्चन था, द आंसर विल बी 96। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, थोड़ा भी घबराइए नहीं। यदि थोड़ी भी प्रिपरेशन है तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, चाहे आप BPED एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो रहे हो या फिर MPED एग्जाम में अपियर हो रहे हो। फ्रेंड्स, बहुत ईजी लेवल है क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, सैंडी स्टॉर्म इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग वेटरन क्रिकेटर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज संदीप पाटिल इज द करेक्ट आंसर। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट टू सेव पेपर बाय यूजिंग डिजिटल मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ, हो सकता है कि 2-3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आपको पूछा जाए, तो आप यदि पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं आंसर्स, तो आप इजीली ट्रिक कर सकें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डैश एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट इम्पैक्ट आवर लाइफ्स एंड इज डेवलप्ड इन ए नंबर ऑफ फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स एनालिस्ट्स है, बट इसका आंसर हो भी सकता है कि ऑथर भी हो, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनालिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, WISPA इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ऑप्शन इज फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, स्क्वैश। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यस दिया हुआ है, इससे क्लियरली लग रहा है कि विजुअल आंसर है दैट इज स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पर पंकज आडवाणी की बात कर रहे हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन जो है मैच नहीं है। पंकज आडवाणी जो है बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है। अंजलि भागवत शूटिंग की हैं, मोहम्मद यनस और यनस याहिया जो है बॉक्सिंग के हैं, ये तो गलत आंसर है बिकॉज ये एथलेटिक्स के हैं। याहिया 400 मीटर्स रनिंग करते हैं, दीपा मलिक इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स गेम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड दैट इज मोहम्मद यनस याहिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, बर्डी एंड ईगल आर टू टर्म्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये KVS का पेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बार बार आता है। तो करेक्ट आंसर इज गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द आंसर इज राजीव कुमार। ऑप्शन इज नंबर 4th ऑप्शन दैट इज राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ प्रोफेसर गुरु दत्त सोंधी इज नोन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग। यानी गुरुदत्त सोंधी जो थे, प्रोफेसर जो थे गुरुदत्त सोंधी, उन्होंने कौन से एसोसिएशन को फाउंड किया था, कौन से एसोसिएशन का फाउंडेशन दिया था उन्होंने। द करेक्ट ऑप्शन इज एशियन गेम्स फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन था एक तरीके से, द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली डी रिकॉग्नाइज्ड विच स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कौन सा फेडरेशन जो है अभी न्यूली फॉर्म्ड हुआ है, कौन सा बना हुआ है, दैट इज आंसर इज रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है अभी न्यूली बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, सीरीज का भी था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, QARAS इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, क्यू के बाद आर आता है, आर के बाद यस आता है, यस के बाद टी आता है,
फिर अगला हो जाएगा टी यू हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पहला जो होगा यू होगा, ए के बाद ए है, ए, तो दूसरा यू ए हो गया, तो आर एस टी यू और लास्ट में हो जाएगा भी, तो ऑप्शन इज यू ए भी। तो यू ए भी किस में है, दैट इज इन द फोर्थ ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इज द यू ए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट हैज बिकम द फर्स्ट एवर टू बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब। कौन सा ऐसा पॉपुलर अभी गेम होने वाला है जिसका जो लाइव जो है टेलीकास्ट है यूट्यूब पर हुआ था, उसका गेम का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन इज इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जो कि थर्ड जो हुआ है वह जो है एक तरीके से लाइव टेलीकास्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे WSJD इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो यह ऑप्शन है 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के तौर पे मनाया जाता है, यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टरलाइट कॉपर विच इज इन यूज रिसेंटली इन एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। देखिए करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइट कॉपर जो है अभी रिसेंटली जो न्यूज में आया हुआ है किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन इज तमिलनाडु, ऑप्शन इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। हु वाज इंडियन जर्नलिस्ट राइटर्स स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड द फर्स्ट क्रिकेट कमेंटेटर इन इंडिया। कौन सा इंडियन जर्नलिस्ट था, राइटर था, स्पोर्ट्स कमेंटेटर था, जो कि फर्स्ट हिंदी कमेंटेटर क्रिकेट के हुए थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सुनील दोषी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है। यहाँ पर हिटमैन जो है निकनेम किसको दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जो बायोग्राफी लिखा गया है किसके द्वारा, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, यानी कि पूरा संसार जो है इनके फीट के नीचे, इनके पैरों के नीचे है। That was written by Pulela Gopichand. Next question है, which is the first Indian city to have female symbol on traffic signals? देखिए friends, जो ऐसी इंडिया की कौन सी ऐसी पहली इंडियन सिटी है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल का सिंबल सिंबलाइज करता है, तो यह दादर में बना हुआ है, दादर आता है मुंबई की, तो ये मुंबई इज द करेक्ट आंसर। विच एमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट एनी ओलंपिक गेम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखते ही आप ट्रिक कर सकते हैं, दैट इज अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबे ब्रांड, देखिए फ्रेंड्स कोबे ब्रांड जो है अभी रिसेंटली डाइड है, रिसेंटली जो है पास्ट अवे हो गए हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वह किस स्पोर्ट्स के लेजेंडरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपके DSSSB एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एज वेल एज KVS का भी ये क्वेश्चन जो है पेट क्वेश्चन माना जा सकता है। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वह लेजेंडरी किस स्पोर्ट्स के थे, बास्केटबॉल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड फ्रॉम विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो वैंकूवर में हुआ था, कैनेडा में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following sports was invented by James Naismith? देखिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, अभी NVS का एग्जाम हुआ था 3 अक्टूबर 2019 को एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन जो है देखने को मिला था कि जो जेम्स नाइस्मिथ जो है बास्केटबॉल के जनक माने जाते हैं, इन्वेंटेड बाई जेम्स नाइस्मिथ जो है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन ए सिंथेटिक हार्ड कोर्ट। देखिए यह क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि सिंथेटिक हार्ड कोर्ट में प्ले किया जाता है, खेला जाता है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस कोर्ट में प्ले किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सिंथेटिक हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फीफा। जो कजाकिस्तान है फ्रेंड्स रशिया के बगल में, वह जो है किस कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन के फीफा के द्वारा किस कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑप्शन इज यूनियन UEFA, यानी कि इसका ऑप्शन है UEFA का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द नेशनल मिशन वॉज लॉन्च बाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त
2020 यानी कि कौन सा ऐसा नेशनल मिशन था जो कि 15 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर देखिए मिनिस्टर का स्पेलिंग जो है LNIP के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मिसस्पेल किया हुआ है, मिनिस्टर की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज। देखिए फ्रेंड्स जो ओलंपिक फ्लेम जो जलता है वह क्या सिंबलाइज करता है, कंटिन्यूटी, यानी कि एक देश से दूसरे देश में उसको इसीलिए हैंड ओवर किया जाता है ताकि वो कंटिन्यूटी रहे, ओलंपिक जो है गेम जो है कंटिन्यूटी को के लिए ओलंपिक फ्लेम जो है जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट सिक्सेस इन एन ओवर। देखिए एक एक ओवर में एक छः छक्का कौन मारता, 6 बॉल पे 6 छक्का, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज आडवाणी रिसेंटली ओन हिज 22nd वर्ल्ड बीरियल टाइटल 2019 दिस टूर्नामेंट हेल्ड। यानी कि जो पंकज आडवाणी ने तो 22 अगस्त को वर्ल्ड बीरियल टाइटल्स जो कि 2019 का जीता था वह टाइटल कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन इज म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैड डिक्लेयर दैट इट विल पार्डन द प्लेयर्स हु वॉलेंटरली डिक्लेयर एज फ्रॉड। तो यानी कि जो कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो कि प्लेयर्स को वॉलेंटरली डिक्लेयर्ड एज फ्रॉड के केस में क्षमा कर सकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट एन ओलंपिक मेडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी इन वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ विच टू एनिमल्स वॉज रेफर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन हिज इंडिपेंडेंसी डे स्पीच। तो लायन एंड डॉल्फिन जो है रिकॉग्नाइज किया गया है कि यह जो है न्यू प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन संरक्षण के लिए इनका न्यू प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बैग 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अनिल कुंबले हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 500 विकेट जो है ग्रैब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रेड बॉल्स इन द स्नूकर्स। देखिए इस करेक्ट ऑप्शन इज 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट गिवेन एज लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड होता है द्रोणाचार्य अवार्ड भी होता है और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स भी माना जाता है। तो इसका जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है बट दैट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फिल्म से एसोसिएटेड है और यहाँ पर जो है लाइफ टाइम अवार्ड जो है जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड को भी माना जा सकता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बेसबॉल को नेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है यूएसए का। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉफी और कप रिलेटेड टू हॉकी। देखिए फ्रेंड्स जो बॉम्बे गोल्ड कप है यह भी हॉकी से है, गुरमीत ट्रॉफी भी हॉकी से, इंदिरा गोल्ड कप भी जो है हॉकी से रिलेटेड कप है और नारंग कप जो है वो शूटिंग से रिलेटेड, बिकॉज गगन नारंग जो है वह शूटिंग से है तो इसलिए नारंग कप जो है शूटिंग से रिलेटेड है। विच इज द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला। जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम उसका न्यू नेम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम बनाया गया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसको आप देख लीजिएगा। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड एन आर्ट एग्जीबिशन टू कॉमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। इसका आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हो सकता है बांग्लादेश या फिर म्यांमार हो सकता है, बट श्रीलंका के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, आप देख सकते हैं अपने गूगल पे सर्च करके। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पब्लिश फेमस न्यूज़पेपर नेम्ड है। देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर जो थे उन्होंने क्या किया था, केसरी नाम से न्यूज़पेपर जो है फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्समैन टू बायकॉट द ओलंपिक टॉर्च रैली रिले इन सपोर्ट्स ऑफ द तिब्बतन इंडिपेंडेंसी मूवमेंट। देखिए कौन से ऐसे स्पोर्ट्समैन थे, इंडियन स्पोर्ट्समैन थे जिन्होंने ओलंपिक टॉर्च रिले में पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू तिब्बतन इंडिपेंडेंसी मूवमेंट के कारण। द ऑप्शन इज बाईचुंग भूटिया जो है इन्होंने डिनाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द टर्म इंटरफेरेंस इज यूज। देखिए फ्रेंड्स इंटरफेरेंस मीन्स होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप किस स्पोर्ट्स में जो है जो टर्म्स है यूज किया जाता है। गोल्फ में तो किया नहीं जाएगा, वहाँ पे तो बहुत सारे इंटरफेरेंस आते हैं, फिजिकल इंटरफेरेंस,
नॉइस, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। जो चेस होता है सबसे कूल एंड काम गेम माना जाता है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है टर्म्स जो है यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो व्हाट इज द कैमल, द मंगूस, कबूम, अल्यूमिनियम, यह जो है रिसेंटली न्यूज में आया है, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट बैट्स हैं सब, कैमल, मंगूस, कबूम, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? द करेक्ट ऑप्शन इज अश्विनी भाटिया। वेयर इज द इंडियन प्रीमियर लीग 2020 एडिशन टू बी हेल्ड? द करेक्ट ऑप्शन इज यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में 2020 IPL जो है प्रपोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI 2019 वाज अवार्डेड टू? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है आ सकता है, प्रकाश पादुकोड़े को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन प्रकाश पादुकोड़े, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड, मेडल अवार्ड जो है इन्होंने पाया है, ग्रैब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द US Open 2019 मेंस टाइटल? देखिए फ्रेंड्स, अभी का जो है करंट अफेयर्स के लिए ये हो सकता है 2019 का, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2020 का भी देख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 2019 का जो जीता था इन्होंने, राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम जीता था, US Open ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स ऑफ इंडिया वॉज फेमस एज पॉकेट डायनामो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत जो है TGT PGT में भी LT में भी देखने को मिला है, तो KD जादव को बोलते हैं पॉकेट डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्का बुर्राज इज द निक नेम ऑफ हॉकी टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कुक्का बुर्राज जो है किस कंट्री के हॉकी जो प्लेयर्स हैं टीम्स को कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया। तो यह था फ्रेंड्स क्वेश्चन थे, कैसा लगा क्वेश्चन? मैं सोचा कि आप लोगों का जो एग्जाम है उससे आप थोड़ा सा भी भयभीत न होइए, बहुत ही इजी पेपर आता है, और आप जो है थोड़ा भी अगर पढ़े हैं और करंट अफेयर्स जो है इससे बियॉन्ड नहीं आने वाला है, यदि आप देख रहे हैं तो आप इसको जरूर रेफर कीजिए और लास्ट देखिएगा वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।